दीव खाते स्मार्ट सिटी अंतर्गत चाली रहे कामदारों शेल्टर होम खाते कर स्थलांतर। केन्द्रशासित प्रदेश दीव में स्मार्ट सिटी अंतर्गत अनेक कामों दरिया नजीक चाली रहा है। तेमा काम करना मजूरो दूर दूर थी दीव में काम करने अर्थे आया था। बीपर वावाझोड़ा ने लीधे तेमने कोई जातनी क्षति ना पहुंचे तेथी मजूरो तथा तेमना परिवार ने शेल्टर होम में दीव प्रशासन द्वारा स्थलांतर करवामां आव्युं छे। दीव प्रशासन द्वारा तेमने रहेवा खावा पीवानी दरेक सुविधाओ पण करी देवामां आवी छे, जेने लईने मजूरोए पण दीव प्रशासननो आभार व्यक्त कर्यो हतो। અમે દાહોદથી અહીંયા મજૂરી કરવા આવ્યા છે। હવે ઉનાઈ ગામ દીવી ગામે દરિયાની કિનારે અમે કામ કરવા આવ્યા છે, તો વાવાઝોડાનો મોસમ છે તે અમને લોકોને સ્કૂલમાં ભરતી કર્યા છે, તો ખાવાને બે ટાઈમ ખાવા આપે, શામ સુબે મેં નાસ્તો આપે, સુવિધા સારી રીતે અમે થાય છે। વાવાઝોડું બંધ થાય પછી અમે कि यहाँ पे हमारे टेंट सिटी का काम चल रहा है और लगभग एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा तूफान आने की वजह से हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको सुरक्षित जगह पे यहाँ पे लाया गया है। और तकरीबन एक दो दिन में जैसे ही मामला सही होता है फिर हम उनको फिर से वहीं पर ले जाएंगे। हमारे खाने और पीने की हर चीज़ की उच्च व्यवस्था यहाँ पर की गई है, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हमको यहाँ पर सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इन विषम परिस्थितियों में जो सरकार के द्वारा हमको मदद मिली है इसका मैं बहुत ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे मजदूरों के लिए और जो हमारे संघ में जितने भी लोग हैं जो हमारे साथियों के लिए इतना किए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमें अँ मजूरी करवा माटे आया था, तो अँ आर के सी कंपनी में काम करिए से तैं थी वावाझोड़ा कारण अमने सरकारी गवर्नमेंट हाईस्कूल में से अँ अमने शिफ्ट कर खावा जमवानू બે ટાઈમ આવે છે, એક ટાઈમ સવારમાં નાસ્તો આવે છે, અને અહીંયા ગાડી સુરક્ષિત રીતે અમને રાખ્યામાં આવ્યા છે, સુવિધા સારી છે અને સુવિધા સારી છે। કિતને ટોટલ હૈ? 70 આદમી 70 હૈ। અચ્છા, ઓરતે ભી હૈ? ઓકે, चलो बढ़िया। खाना वाना देते हैं? नहीं देते? अच्छा आता है खाना तो ठीक है।